आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पर विश लिस्ट क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं और फ्लिपकार्ट के विश लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट का विश लिस्ट यूज करने के लिए, यानी कि उसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐड और रिमूव करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग फ्लिपकार्ट का विश लिस्ट का उपयोग उस समय करते हैं जब उनको कोई भी सामान पसंद आ जाता है और वह चाहते हैं कि उस सामान को हम बाद में खरीदें, तो वहाँ पर वह विश लिस्ट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट के विश लिस्ट में कोई भी सामान ऐड करने के लिए आपको जो भी सामान लेना है या ख़रीदना है या आपको विश लिस्ट में ऐड करना है, आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उस चीज़ को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ से आपको जो भी सामान यहाँ पर आपको ऐड करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक हार्ट का आइकन दिखेगा। आप जैसे इस हार्ट के आइकन पे यानी दिल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका फ्लिपकार्ट के विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि डला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक माय विश लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको अब माय विश लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट के विश लिस्ट में जो भी सामान ऐड किए होंगे वह दिख जाएगा। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह सामान दिख रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव फॉर कलेक्शन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जो भी सामान फ्लिपकार्ट के विश लिस्ट में ऐड किए थे यहाँ पर आप बारी बारी से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट का विश लिस्ट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं और इसमें कोई भी प्रोडक्ट को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।